वेलकम फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग क्लास 8 के साइंस का डिफरेंट टॉपिक्स का एमसीक्यू एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। जो एयर हम लोग सांस लेते हैं उसमें पता है आपको ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन जो है वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, लेकिन क्लोरीन जो है वो उसका कंस्टिट्यूएंट नहीं है। एयर में उसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। यहाँ पर अगर क्लोरीन का नाम आ गया है तो मैं बता देता हूँ कि क्लोरीन जो है वो इसका यूज होता है वाटर को क्लीन करने में, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। Name the gas that absorbs harmful UV ultraviolet radiation from the sun. आपको उस गैस का नाम बताना है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, तो उसका आंसर है ओजोन। फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। Which of the following is not an air pollutant? फ्यूम से होता है पॉल्यूट, स्मोक से भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी प्रोड्यूस होता है CFC जिसको बोलते हैं, लेकिन वाटर वेपर से एयर पॉल्यूट नहीं होता है। द हार्मफुल मेटल प्रेजेंट इन पेट्रोल डीजल लेड बैटरीज एंड पेंटेज, वो मेटल जो इन सारी चीजों में मौजूद है, और ये लेड पॉइजनिंग जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा लेड। लेड वो हार्मफुल मेटल है जो इन सभी जगह मौजूद है, और इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो देखिएगा कई जगह लिखा भी रहता है अनलेडेड पेट्रोल इज अवेलेबल, और लेड का मैं सिंबल भी बता देता हूँ। लेड का सिंबल होता है PB, प्लम्बम। SPM स्टैंड्स फॉर, SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जो फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, और वो सारा SPM कहलाता है, या फ्लाई ऐश है, राख का बहुत महीन कण, वो सारा SPM कहलाता है। What does the 3R principle stand for? आपको पता है कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है 3R को फॉलो करना, बल्कि आज के डेट में तो 4R हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और इसके साथ चौथा R भी जुड़ा हुआ है, रिफ्यूज। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो उसको ऑल टुगेदर हम रिफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रैकर। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, अगर ईंधन जला और उसका पूरा पूरा कंबशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका फॉर्मूला होता है CO2, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है CO। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही पॉइजनस है। आप बोलिएगा कि सर कैसे, आप बराबर ठंड में सुनते होंगेगा कि कभी कभी न्यूज में आ जाता है कि एक घर में लोग अंगठी जला करके सोए, कोक जला रहे हैं, और उन्होंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखी हैं, और सुबह तक जो है वो खत्म हो गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और उसके वजह से सफोकेट करके डेथ भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हवा जैसी ही वजन की है, ना हेवी है ना लाइट है, मतलब जिस रेंज में आप ब्रेथ कर रहे हो, जिस हाइट पे आप ब्रेथ कर रहे हो वहां पर ये मौजूद रहेगा। और दूसरा क्या है कि इसमें स्मेल नहीं है, कि डिटेक्ट नहीं होगा। घर में आपका LPG लीक करता है तो स्मेल पता चलता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिटेक्ट कर लो। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हो तो उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं मास लेवल पे तो वो चीज कहलाता है एफॉरेस्टेशन, और ये जो चीज है ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा, एनवायरमेंट को कंजर्व करेगा, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो गया तो उसका क्या होगा असर? तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा,
अब ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारा गैस जो है क्या करता है, सूरज की रोशनी और गर्मी को आने देता है लेकिन हीट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, पोलर आइस जो है वो मेल्ट करेगा, जो कोस्टल रीजन है समुद्र तटीय इलाका या जो आइलैंड है वो सारा सबमर्ज कर जाएगा, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ वाटर वेपर टू फॉर्म, वो अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड कंबाइन करेगा तो नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाएगा। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है, तो HNO3। यहां पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये दूसरा टॉपिक है, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। बाइनरी फ्यूजन इज सीन इन, बाइनरी फ्यूजन जो है वो अमीबा में होता है, ठीक है। हाइड्रा जो है उसमें बडिंग होता है, ह्यूमंस में तो आपको मालूम है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है, पैरामीशियम में ये मल्टीपल फ्यूजन होता है। मेल गोनाड्स आर कॉल्ड, मेल गोनाड्स जो है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, जहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। Which of the following is not a reproductive organ of female? Ovary है, fallopian tube है, uterus है। Testes जो वो male reproductive female reproductive organ नहीं है, बल्कि एक male reproductive organ है। The tube that carries the sperm out of the testes is called sperm duct। और जब operation करके ये करते हैं तो दो तरीके का होता है, एक होता है tubectomy, एक होता है vasectomy। तो ट्यूबेक्टोमी में जो है ये इसको उस डक्ट को काट करके टाई कर दिया जाता है, और वैस्कोटोमी में जो वास डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, लिटिगेट कर दिया जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिला, फ्यूज किया, तो ये जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। What is the full form of IVF? IVF का मतलब होता है in vitro fertilization, मतलब test tube में fertilization का process जो है externally करा करके फिर उसको implant किया जा रहा है। आप बहुत जगह पैसा सुनते हैं कि babies नहीं हो रहे हैं और marriage के कई साल हो गए हैं, तो ये एक process है। Which of the following animals shows external fertilization? जो frog है उसमें external fertilization होता है, जो fertilization का process है वो body के बाहर हो रहा है। डैश रिलीज स्पर्म, स्पर्म डक्ट जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है। अमीबा एंड पैरामीशियम रिड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, अमीबा और पैरामीशियम जो है वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड शिप, जो पहली बार क्लोनिंग करके बनाया गया तो उस शिप का नाम था डॉली। में क्या हुआ कि भेड़ के बॉडी से सेल लिया गया, उसको फिर बाहर में फर्टिलाइज किया गया, और आर्टिफिशियली जो है मतलब बिना दो पेरेंट्स के, एक ही पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट किया गया, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्लोनिंग। व्हेन वाज डॉली बॉर्न, डॉली जो है वो 5 जुलाई 1996 को बॉर्न हुई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बोलता है इसमें से कौन जो है एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो प्लास्टिक जो है वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, बोल तो एनर्जी का सोर्स है, प्लास्टिक जो है वो एनर्जी का सोर्स नहीं है। विच ऑफ दीज डज नॉट नीड फ्यूल, किन चीज में ईंधन की जरूरत नहीं है। कुकिंग के लिए आप जलाते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल सीएनजी भरवाते हो, कंबशन जो है वहां भी फ्यूल चाहिए, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन जो है उसके लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है, ईंधन की जरूरत नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मिश्री खाया है ना आपने, तो उसमें कैसे बनाते हैं मिश्री, चीनी को पानी में उबाल दिया, खूब गाढ़ा चाशनी बना दिया, और फिर क्या किया उस चाशनी को रख दिया, और फिर एक धागे में मिश्री का छोटा सा टुकड़ा बांध करके उसमें डाल दिया, जो वो छोटा सा टुकड़ा आपने डाला है उसके चारों ओर सारा चीनी अट्रैक्ट होगा और वो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा साइज, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन।
Which of these does not help in starting fire? तो हीट चाहिए ही, ऑक्सीजन चाहिए ही, फ्यूल चाहिए ही. पानी से तो कभी आग लगेगा नहीं, बल्कि तो जलता हुआ आग को बुझा देगा. बड़ी अच्छी कहानी है. पानी H2O. हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम्बस्टिबल है, ऑक्सीजन जो है वो कम्बशन का सपोर्टर है, लेकिन ये दोनों मिलकर के जब H2O बन जाते हैं पानी, तो वो जलता हुआ आग को बुझा देता है. Which of these is used in case of an electric fire? ठीक है, अगर बिजली लगे तो आपको क्या नहीं यूज करना है. Which of these is not used? तो अगर बिजली के किसी भी इसमें पानी आग लग गया तो कभी भी पानी मत यूज करना, क्योंकि मालूम है वाटर इज अ कंडक्टर. पता चला कि आग बुझेगा नहीं और फैल जाएगा, और सबसे पहली बात कि जो पानी डाल रहा है हो सकता है उसको करंट लग जाए, तो कभी भी ऐसा भूल से भी मत कीजिएगा. The dash is the hottest part of a candle flame. जो सबसे बाहर वाला जोन होता है, नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन, वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है. मोमबत्ती आप कभी जला के देखो तो देखोगे विक के पास का जो रीजन है वो ब्लैक है, उसके बाद का जो रीजन है वो ऑरेंज है, फिर येलो, और सबसे बाहर वाला जो रीजन है वो ब्लू है. ठीक है, तो वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है. और जो सुनार वगैरह होते हैं वो सोने चांदी का गहना बनाने समय पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, साइज मोल्ड करते हैं, तो वो भी इसी जोन का यूज करते हैं. द कुकिंग ऑयल डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन बिकॉज, है ना, क्यों? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई है. गर्म करोगे आप डाल करके तो हो सकता है कि तड़का उड़का मारने के लिए कल्छुल में मम्मी गर्म करती है तो बहुत देर रख देगी तो फिर तो आग लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. सरसों का तेल हो या रिफाइंड तेल हो या और भी कोई ऑयल जो जहां पर यूज होता है. कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक ले रहा हूं आप. Which of these is not a fossil fuel? Coal fossil fuel है, natural gas fossil fuel है, petroleum है, लेकिन wood जो है वो fossil fuel नहीं है. Wood से ही फिर coal बना है, carbonization process से. Wood जब जमीन के अंदर चला गया और बहुत extreme temperature और pressure में रहा तो फिर coal बनेगा. Coal mainly contains, coal जो है वो mainly carbon contain करता है, और आपको coal का variety भी पता होगा, anthracite, bituminous, lignite और pit. उसमें anthracite जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है क्योंकि उसमें carbon content जो है वो काफी ज्यादा होता है, 90% से above. The process of separation of the constituent of petroleum by heating, ये जो चीजें ये कहलाता है fractional distillation. बड़े से इसमें fractional column में लेकर के उसकी heating करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पार्ट जो है वो सेपरेट होता है. उसी से आपको पैराफिन वैक्स निकलता है, किरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, और भी कुछ गैसेस भी निकलती हैं, एंड सो मेनी कंपाउंड्स जिसका अलग अलग जगह पे यूज है, केमिकल इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ये बताती है कि किस तरीके से आप ईंधन के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको वेस्ट मत कीजिए, कैसे वो रोकिएगा, है ना. आपको पता है ना पेट्रोलियम जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल. एक बार आप यूज कर लोगे तो खत्म हो जाएगा, और जो ग्लोबल रिजर्व है वो बहुत लिमिटेड है. देख रहे हैं ना कि हमेशा दाम बढ़ता जाता है, तो जिस चीज़ का सप्लाई कम रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा, तो उसका दाम बढ़ जाता है. और सप्लाई तो लिमिटेड है क्योंकि पेट्रोल तो एक दिन में बनता नहीं है, करोड़ों साल लगते हैं. Which is the cleanest fuel? यहाँ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एलपीजी है, तो उसमें नेचुरल गैस जो है वो सबसे क्लीन माना जाता है. एलपीजी भी वैसे क्लीन फ्यूल है. Which of these contribute to most global warming? Riding a scooter, burning coal, using CNG driven vehicles, ये सारा भी पॉल्यूशन करता है, लेकिन रिसाइकलिंग में ज्यादा पॉल्यूशन होता है. Which is of the following is a way to save petrol and diesel? Excessive braking and accelerating, make sure that tires of the vehicle have correct air pressure. ये सारा चीज तो होना ही चाहिए. ज्यादा बार ना ब्रेक लगाओ ना एक्सेलेटर लगाओ. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लाल बत्ती हो रखी है तो गाड़ी का इंजन क्यों ऑन रखे हो, बंद कर दो. फ्री में ईंधन जल रहा है, जब फिर सिग्नल ग्रीन होगा तो ऑन करो और जाओ. अब साउंड चैप्टर का करेंगे. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू. साउंड जो है वो गैस से, लिक्विड से और सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है. इसलिए स्पेस में अगर जाओगे, मून पे अगर जाओगे, तो वहां बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी. साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए.
आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी व्हेन वन वी कैन हियर बेटर, आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, तो जो 24 हर्ट्ज है उसमें हम आराम से सुन सकते हैं। लाउडनेस, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड ज्यादा लाउड होगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन रिप्रेजेंट इट्स, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। द साउंड विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, उसको हम सुन सकते हैं। Which of the following is not the characteristics of sound? Sound का characteristics है, loudness है, pitch है, timbre, लेकिन speed जो है वो characteristics नहीं है। Thank you दोस्तों, फिर मिलते हैं।